गाइस ये वेलकम बैक हो गया सभी लोग कन्नौज के फ्लिक की एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले हैं वापस अपने कार फॉर सेल वर्ल्ड के अंदर, जहां पर हम लोगों का शोरूम एकदम धड़ाधड़ चल रहा है। आज हम लोग करने वाले एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चैलेंज, सो लेट्स गो। जिसे भी लाइक नहीं करा लाइक वाला बटन दबाना, 151K लाइक का शगुन लगा दो, बिल्कुल मजा आ जाए। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने कार फॉर सेल वर्ल्ड के अंदर। बंद कर देते जरा भैया, बंद कर दीजिए दरवाजा, थैंक यू। ओ ला ला, कल रात को मैं लेके आया हुआ था भाई यहाँ पर अपनी फरारी, जो कि हमारी लाइक फरारी एंजो है, क्या कहते उसे, हाँ फरारी एंजो ही है ना, मतलब लाइक फरारी एंजो। तो वैसे वो है बंदा भी, मतलब जिनने बेसिकली फरारी को वो किया था, लाइक जिनने फरारी को फाउंड किया था, फाउंडर थे फरारी के वो। बट यार एंजो फरारी थे, अभी फरारी एंजो थे, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। बट यस, हम लोगों के सामने अभी है हमारी फरारी एंजो, जो कि तुम लोगों को पता ही होगा कि कितनी फरारी लेनी पड़ती है उसके बाद जाके तुम इस गाड़ी के लिए लाइक एलिजिबल होते लेने के लिए। उसके बाद भी तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करा जाता है तब जाके मिलती है, लेकिन तुम्हारे भाई के पास ये चार चार पड़ी गेम के अंदर। चलो चलते हैं फटाफट से पहले अपने ऑफिस, और ऑफिस आएंगे हम लोग किस तरह से तुम्हें पता है, क्योंकि हम लोगों को कुछ चेक करना होता है। कभी कभार भाई की किस्मत बहुत ही ज़्यादा हार्ड चलती है, तो हम लोग वो देखते हुए चलते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ भी नहीं है भाई, ये लिटरली ब्रो ये दे रहे हैं क्या ये भाई साहब। वो पता नहीं कौन सी गाड़ी है भाई, उसका नाम तक भूल चुका हूँ मैं, इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है वो गाड़ी को देखे हुए भाई। लिटरली बंदे यार हैं, मेरी गाड़ी डैमेज ही नहीं हुई वो भाई साहब। भाई फरारी फॉर द विन यार, क्या खतरनाक चीज है। चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाते हैं अपने उसमें फ्यूल भराते हैं, क्योंकि सीधी बात है यार रात भर गाड़ी चला रहा था तो उसके बाद फ्यूल हो गया था खत्म। तो चलो इसको लेके चलते हैं। आज हम लोगों को भाई एक चैलेंज करना है, जो कि होने वाला है हम लोगों को, जो मैं 10 बार भूल चुका हूँ। मेरे को एक बार याद है तुम्हें GTR और वाइपर दिखी थी, उसके बाद मैंने वो चैलेंज पूरा लाइक वो कर दिया, भूल गया भाई। कॉमेंट सेक्शन में सिर्फ वही भरा हुआ था, भैया फॉरगॉट अबाउट द चैलेंज आफ्टर सीइंग GTR आफ्टर सीइंग फरारी भाई, मतलब सॉरी वाइपर। सबसे पहले तो इस गाड़ी को ढंग से यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। देखो तीनों गाड़ियाँ ना एकदम साथ में खड़ी होनी चाहिए, अपनी GTR और फरारी ये सब। तो इसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे, और मैं इसको लिटरली फ्रंट डोर से ही डाल देता हूँ। पता है भाई ड्राइविंग में तो हार्ट टाइट है तुम्हारे भाई का। देखो देख रहे हो कितनी देर बाद खड़ी करी, बट एकदम परफेक्ट सिंक में खड़ी करी है दोनों फरारियाँ। देखो दोनों फरारी एकदम साथ में उधर को घूम रही है इधर, यार ड्राइविंग में तुम्हारे भाई का हाथ तो है थोड़ा टाइट। चलो अभी ऊपर लेके जाते हैं। आज हम लोगों को कैसे भी 10 फरारी जमा करनी है। देखो फरारी एंजो तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। अभी अपने पास एक फरारी एंजो अपनी ऊपर खड़ी हुई है, फिर 2 यहाँ पे खड़ी हुई है, तो 3 इन टोटल हो गई अपने पास। और पक्का अपने पास और नहीं, अपने पास 3 ही फरारी एंजो है, मतलब 3 ही क्या होता है भाई, ये 3.5 मिलियन की एक गाड़ी है भाई। एक तरह से अगर इन तीनों का प्राइस भी जोड़ लेंगे ना, तो ये कम से कम नहीं तो 10-11.5 मिलियन के आसपास आ जाएगा, तुम समझ रहे हो। 11.5 नहीं, मतलब 10.05 मिलियन यार, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है भाई। ये क्या लगती है यार GTR, कोई अगर मेरे को बोलेगा ना फरारी एंजो लेनी है या फिर GTR लेनी है, तो मैं तो सीधे बोलूँगा भाई फरारी एंजो लेनी है भाई। उसके बाद वो फरारी एंजो को बेचूंगा मिलियंस ऑफ डॉलर में, और उसके बाद एक पूरी फ्लीट खड़ी कर दूंगा निसान GTR की, मजा आ जाएगा भाई। मजा कर रहा है यार, अपना ऐसा गैराज बनाऊंगा ना भाई, 3-car garage लाइक लिटरली ब्रो। ये बहुत ज़्यादा रेयर और बहुत ज़्यादा लाइक कैसे बताऊँ, बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई ये, बहुत ज़्यादा लाइक एक तरह से कलेक्टर्स के लिए तो पिनाकल है। बट आज हम लोगों को कलेक्ट करनी है 10 फरारी, लेकिन फरारी एंजो नहीं, क्योंकि फरारी एंजो तुम्हें ही पता है मुझे ही पता है कितनी ज़्यादा महंगी होती है, कितनी ज़्यादा रेयर होती है, लाइक वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये हम लोग फ्यूचर में करेंगे, अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताते हो कि लाइक तुम लोग देखना चाहते हो। भाई मेरे को नहीं पता कितना टाइम लगेगा इसको जमा करने में, क्योंकि मेरे को पता है कि हम लोग करने वाले ये वाला जो अपनी SF40 है ना, इसी का हम लोग करने वाले हैं अभी पूरा का पूरा लाइक चैलेंज। इसमें हम लोगों को कैसे भी 10 गाड़ियाँ जमा करनी है इसको हटा के, ये नहीं काउंट होगी, ये तो हम लोगों की लाइक वो है ना क्या कहते उसे, हमारा प्राइड कलेक्शन वाली चीज़ है, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। लेकिन हाँ अगर तुम लोग फ्यूचर में करते हो कमेंट की, तुम लोग देखना चाहते हो कि हम लोग 5 फरारी एंजो या फिर ऐसा कुछ जमा करें, तो मुझे नहीं पता भाई, चाहे मेरे को हफ्तों के हफ्ते लग जाए लेकिन मैं करूँगा भाई तुम लोग, ठीक है। तो तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बताना, कोई भी गाड़ी हो जिसका भी तुम चैलेंज मेरे को देना चाहते हो कि इतनी जमा करके दिखाओ, मैं गारंटीड उसको कंप्लीट करूँगा। बट तुम लोगों को उससे पहले लाइक गोल कंप्लीट करना पड़ेगा, तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा देना, ठीक है। अभी के लिए तो हम लोग निकलते हैं भाई। मैं सोच रहा आज मस्टैंग निकाली जाए, बहुत टाइम हो गया भाई, कितना टाइम हो गया मैंने मस्टैंग नहीं चलाई मजाक से हट के, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया पता है। हम लोगों ने अपनी मस्टैंग कभी निकाली नहीं बाहर को, नहीं लगती क्या तगड़ी है यार। चलो सबसे पहले हम लोग जाते हैं अभी अपने मार्केट, क्योंकि हम लोगों को देखो जाना पड़ेगा। 99 लाख है अपने पास, एक नॉर्मल जो अपनी ये आती है फरारी आती है SF40, वो
अराउंड अराउंड नहीं भी तो 2-3 लाख के आसपास में हम लोगों को आराम से मिल जाए। 3 लाख मान के चलो, 10 लेने के लिए हमें 30 लाख चाहिए होंगे, हम लोगों के पास 99 लाख पड़े हुए। लेकिन दिक्कत वहाँ नहीं है कि हम लोगों को इसको जमा करना है, दिक्कत यहाँ है कि क्या ये गाड़ी आएगी। देखो भाई ऑडी R8 आ रखी है यार, ओ भाई BMW M3 आ रखी है भाई, आने को देख रहे हो कैसी कैसी गाड़ियाँ आ रखी हैं, बट वो ही नहीं है जो हम लोगों को चाहिए। यही तो दिक्कत है, यही तो किस्मत है हमारी। देखो ना कैसी भाई, देखो 5 सीरीज तक आ रखी है भाई यार। तो यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं है टू बी ऑनेस्ट जो हम लोगों के मन की हो। लेकिन देखो अपने पास 99,54,000 पड़े हुए। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको एक मिलियन कह रहा हूँ, 10 मिलियन ही कर दिया जाए, 1 करोड़ कर देते हैं इसको, ठीक है। और वो हम लोग ये R8 बेच के आराम से कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को करना पड़ेगा कितना, देखो ये बोल रहे हैं 487, आई डोंट थिंक सो ब्रो, मैं तुमको इतने पैसे दूंगा। अगर तुम 390 में मान जाती हो तो मैं ये गाड़ी, ओ भाई साहब कितने, 390 में मान जाती हो तो ये गाड़ी मैं ले लूँगा आपसे। ऑफर इज टू लो, ओके चलो ठीक है। ये देखो मैडम आप क्यूट लग रही हो, इतनी यंग लग रही हो, इसीलिए मैं आपको 4 लाख में लेने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। यस, देख रहे हो तुम, ये होती है बातचीत भाई भाई की। लेट्स गो। क्या गाड़ी डैमेज्ड है, हद से ज़्यादा डैमेज्ड है, इसको रिपेयर में डाल देते हैं। लेकिन तुम्हारे भाई ने इसमें बहुत सारे पैसे बचाए और गारंटीड ये हमारी फरारी लेने में फ्यूचर में हेल्प करेगी फॉर श्योर। अभी के लिए हम लोग निकलते हैं फटाफट से यहाँ से, उस गाड़ी को रिपेयर करते हैं और सेल पे लगाते हैं। और लाइक हमको नहीं पता कि हम लोगों को कितनी बार रीसेट करना पड़ेगा अगर हम लोगों को लाइक एक फरारी चाहिए होगी, तुम समझ रहे हो, क्योंकि वो गाड़ी भी ऐसी नहीं कि हलवा है, समझ रहे हो। रेयर होने को वो भी है, वो भी खाली तुम लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी जगह पे मिल सकती हो, तुम्हें नेबरहुड ऐसी जगहों पे नहीं मिलेगी। तो दिक्कत वहीं पर है, लाइक होने को तो हम लोग उसको कहीं से भी ले सकते वाली चीज़ नहीं है, बट तुम समझ रहे हो ना मेरी बात भाई, उसको अगर हम लोग करने गए तो वो बहुत ज़्यादा टाइम में मिलेगी। लाइक एक एक गाड़ी जमा करना और उसकी भी 10 टाइप, तुम समझ रहे हो ना, 10 फरारी खड़ी करनी है हम लोगों ने। नीचे वाला एरिया अच्छा है, मैंने खाली कर रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। यहीं पे हम लोग यहाँ पर लाइन से फरारी खड़ी करेंगे 10 की 10। भाई साहब बहुत मज़ा आने वाला है। मैं ये एक मिनट रुको, मैं ये अपनी माजडा को भी यहाँ से हटाता हूँ भाई। इसको अभी के लिए वहाँ लगा देता हूँ उस वाले के साथ, है ना। नहीं वहाँ तो अच्छा, ओके वहाँ तो अपने रिसेप्शनिस्ट की वो है ना। अभी के लिए इस माजडा को यहाँ लगा रहा हूँ फिर, देयर वी गो, ठीक है। ये माजडा को अभी के लिए मैं यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ। अभी हम लोग जाते हैं फटाफट से, जाके देखते हैं अगर हम लोगों की गाड़ी रिपेयर हो गई। एक्चुअली अभी भी रिपेयर हो रही है, देखो बढ़िया यहीं से दिख रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, फटाक से निकलते हैं, जाके डे रीसेट करते हैं। होपफुली हम लोगों को लाइक मिल जाए कुछ अच्छा सा। यार मैं सही बताऊँ तो अगर हम लोगों को गलती से भी भाई फरारी यहाँ पे जीतने को मिल जाती है ना भाई, तो मैं जा रहा हूँ भाई सीधे रेस वेस करने चले जाऊँगा मैं तो। देखो अभी भी वही गंदी गाड़ी है, वो डे रीसेट होगा तब जाके आएगी अच्छी गाड़ी तो मेरे हिसाब से। और भाई इन लोगों ने लिटरली ये ब्लैक मार्केट से हम लोगों से वो हथौड़ा तो बाय करवा लिया, बट क्या तुम में से किसी ने कमेंट में बताना, अगर कोई भी खेलता है कार पर से, क्या तुम में से किसी ने आज तक का कोई गाड़ी तोड़ी है उस हथौड़े से? भाई मिलता ही नहीं है तोड़ने को, कैसे तोड़ेगा आदमी यार। चलो अपने 10 मिलियन तो हो जाएंगे, 95 लाख हो चुके हैं ना, 8 लाख के आसपास में आराम से ऑडी R8 बिकती है, तो हम लोग बेचने को तो बेच देंगे। अभी के लिए हम लोग चलते हैं फटाफट से नेबरहुड में सोने के लिए। वैसे कायदे से हम लोग नेबरहुड में खा लिया है, हम लोगों को आज कंटेनर में ही सो जाना चाहिए था। चलो पटाक से चलते हैं, जाके निन्नू करते हैं और कल सुबह लेट्स होप हम लोगों को एटलीस्ट एक फरारी SF40 तो मिल जाए, क्योंकि हम लोगों को 10 जमा करनी है। 10 कुछ ज़्यादा टफ नहीं ले लिया है चैलेंज मैंने भाई, सोच रहा हूँ जब मैं। ओ नया अपडेट है गाइज, यू कैन नॉट स्लीप बिफोर 12। ओ भाई साहब हम दिन के 12 बजे से पहले सो ही नहीं सकते, तो ये तो भाई ये चैलेंज अभी 100 टाइम्स टफ हो गया, तुम समझ रहे हो। वरना मैं क्या करता था, मैं डे को रिफ्रेश करते जाता था और उसके बाद अगर हम लोगों को एक ऑक्शन नहीं तो एटलीस्ट एक मार्केट प्लेस खुली भी मिल जाती थी, हम लोग कर लेते थे। अब हम लोग जब तक 12 नहीं होगा तब तक नहीं सो सकते। तो कहने का मतलब है कि मेरे को हर दिन एटलीस्ट, सोचो मेरे को हर दिन एटलीस्ट 1 घंटा मतलब 1 मिनट होता है, तो सोचो 7 बजे से लेके 12 बजे होते हैं 5 घंटे, राइट। तो हम लोगों को 5 घंटे मतलब 5 मिनट हर एक दिन में करने पड़ेंगे। और भाई हम लोगों ने लिटरली नहीं भी तो 100 दिन वो करें स्किप GTR लेने के लिए, 100 दिन। 100 दिन का मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, ऑलमोस्ट 10 घंटे अगर हम लोग खाली रिफ्रेश भी करते रहे। लेकिन उसके बीच में तो हम लोग जाएंगे ऑक्शन चेक करेंगे, मार्केट प्लेस चेक करेंगे, वाट लगने वाली है गाइज आज। मैं मजाक नहीं करूँगा, आज हो सकता है हम लोगों को ये चैलेंज करने में 10-15 घंटे लग जाए भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा सच्ची में यार। ये भाई ये लैग हटाने की जगह, अच्छी चीज़ें लाइक करने की जगह ये क्या फालतू गिरी है भाई। उन लोगों ने एक दिन, अब जब तक तुम भाई कम से कम 5 मिनट नहीं खेल रहे तब तक कंप्लीट नहीं होगा। बल ऑलमोस्ट 10 घंटे करने पड़ेंगे, क्योंकि 500 मिनट होते हैं ना भाई उस हिसाब से, समझ रहे हो। मतलब मैं सही से समझा रहा हूँ ना तुम्हें,
5 मिनट पर डे और हमें 100 दिन स्किप करने, तो 500 मिनट, 50 मिनट मतलब समझ रहे हो, 500 मिनट डिवाइडेड बाय 60 कर लो, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 10 घंटे, लाइक प्रॉपर 10 घंटे तो नहीं है, ऑलमोस्ट 10 घंटे। लेकिन भाई साहब आज रोना होने वाला है, देखते हैं, लेट्स सी इन लोगों ने अपडेट में ये चीज़ फिक्स करी नहीं करी, क्योंकि ऑडी आर8 में अगर तुम लोगों को याद होगा वो नहीं लगता था, बूस्ट नहीं लगता था, लाइक नाइट्रो नहीं लगता था, ठीक है। अरे हटा लो यार चाचा अपना ट्रक थोड़ा, चलो ठीक है, लेट्स होप कि इन लोगों ने ये फिक्स कर दिया, क्योंकि मेरे को ऑडी आर8 बहुत ज़्यादा दिखती है। कार किट अनेबल भाई, ये लो भाई ड्रिफ्ट किट क्यों ले रहा हूँ मैं, लेकिन चलो ठीक है भाई, थैंक यू हाँ भैया। हाँ तुम्हारे पास नॉस तो अवेलेबल है नहीं, करते क्या हो पता नहीं क्यों खोल लिखी दुकान भाई, खाली फालतू में भाई, यार मजाक कर रहा हूँ, पता चला कोई नई गाड़ी आई उसको मैं यहाँ कराने लाया, उसने कहा चल भाई चल, तेरे को पता नहीं है ना मैं क्यों खोल लिखी है दुकान मैंने, अब तू निकल ले चुपचाप। चलो इसको हम लोग लाल कलर कर देंगे बिल्कुल, देयर वी गो, मस्त भाई ऑडी आर8 लाल कलर में अलग ही लगती है, चमकती है बिल्कुल एकदम आंखों पे ना ऐसे रोशनी मारती है जैसे बोलते हैं, बस लेट्स गो। बाकी मेरे को पता है तुम में से बहुत सारे लोग यार वेट कर रहे हैं जैक फेस रिवील वीडियो का, भाई उसकी एडिटिंग जोरों शोरों से चल रही है, अगर तुम लोगों ने देखा होगा हमारे जो अंशुवर्स का खाली इंट्रो है ना, उसको 3 दिन लगे थे एडिट करने में, क्योंकि एडिटर बहुत ज़्यादा लाइक मेहनत करके कर रहा है उसको, और भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, मेरी जेब भी बहुत जोर से ढीली हो रही है उस चीज़ के चक्कर में, बट मैं चाहता हूँ कि अंशुवर्स पे तुम लोगों को ऐसा कंटेंट दूँ ना, ऐसा क्रेजी कंटेंट दूँ ना जो तुम लोगों ने लिटरली कहीं नहीं देखा होगा भाई, मतलब एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसे नहीं कि बस अकेले मैं निकल गया कैमरा लेके ऐसे वाला नहीं भाई, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नेक्स्ट लेवल दूंगा, व्लॉगिंग जैसा नहीं होगा, मतलब फाड़ के चितड़े उड़ा के दूंगा, तुम देखते जाओ बस, अपने भाई पे भरोसा रखो, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी तुम्हें अंशुवर्स पे, जाके सब्सक्राइब कर लेना, 5 लाख सब्सक्राइबर दिखा दो भाई को, भाई का दिन बना दो यार, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, सबसे पहला जाके सब्सक्राइब जरूर करना भाई, प्लीज़। ग्रेट कार लेट्स गो, इसको हम लोग बेचेंगे कितने में, 9,10,000 पर बिक गई ना, 9,10,000 जो कि एक्चुअली हो भी सकता है, ठीक है, 4 लाख के आसपास में बेची है, कभी कभार किस्मत चल जाती है भाई की, ठीक है, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, और देखो 12 बजने वाले हैं, अभी मैं गाड़ी निकालने वाला हूँ, वैसे कायदे से अगर हम गाड़ी से आएंगे ज़्यादा बेटर होगा, मैं एक बार जाके देखता हूँ, ठीक है, कंटेनर पे, क्या हम लोगों को सही में 10 घंटे लगेंगे ये चैलेंज करने में, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हो सकता है। यार ये कंटेनर काला कैसे हो गया, मैंने कभी करा नहीं था काला, और मेरे शीशे गायब हो गए भाई, ये चल क्या रहा है, फिर से पैसे भरने पड़ रहे हैं, अच्छा ये सारे चोर कहीं के भाई, भाई ये देखो यू कैनॉट स्लीप बिफोर 12 गाइज, ये चीज़ ना हम लोगों को बहुत हॉन्ट करने वाली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो 12 बजे से पहले हम लोग नहीं सो पा रहे ना, वाट लगने वाली है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, मेरे को कभी कभार एक चैलेंज के लिए 100 दिन स्किप करने पड़ते हैं, तो तुम समझ रहे हो 10 घंटे लगातार, 4-5 घंटे तो मेरे को नॉर्मली लगते ही थे, अब गारंटीड 10 घंटे लगेंगे, और 10 घंटे में तब बोलो जब जाऊँगा सोऊँगा बस यही करूँगा। बट अब देखो जैसे ये कार मार्केट ओपन है, ठीक है, सीधे कार मार्केट जा रहे हैं, मैं गाड़ी से नहीं जा रहा हूँ, सीधे कार मार्केट चलते हैं, लेट्स होप, हाथ जोड़ो सारे, प्लीज़ गाइस लाइक वाला बटन दबाओ, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लाइक और मेरा लक कैसे साथ साथ चलता है, ठीक है, लेट्स होप, प्लीज़ देखो मैंने बोला ना भाई, मुझे पता है तुम लोगों ने लाइक वाला बटन दबाया था, आई लव यू गाइस, यार जितने लोगों ने भी लाइक वाला बटन दबाया था, ये लो पप्पी रखो मेरी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, तुम्हारे लाइक और मेरा लक एकदम पैरेलल चलता है भाई, जितना तुम लाइक मारते हो उतना ही मेरा खतरनाक लग चल जाता है, देखो हम लोगों को फरारी ऐसे 40 मिल गई भाई, मजाक से हट के बार्गेन करेंगे भाई, सीधी सी बात है, अपने पैसे जितने बचा सकते हो उतने बचाएंगे, 50,000 रुपये कम करने की ट्राई करते हैं, अगर हो पाए तो बढ़िया, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, 2,40,000 में ट्राई करते, 10,000 रुपये बढ़ाते रहेंगे, बस लास्ट में उतने महीना बेचने पड़ी, बढ़िया इसको, हाँ स्टार्ट तो हो रही है बढ़िया करके, बाकी देख लेते हैं और कोई गाड़ी है जिससे हम लोग थोड़ा बहुत पैसा ही बना सकते हैं, क्योंकि अब अगर हम लोगों को इतनी देर तक रुकना ही पड़ेगा, सोचो हम लोगों को 12 बजे तक अब आज के रुकना ही पड़ेगा, कहने का मतलब अभी से 4 मिनट और, तो फिर इससे बढ़िया वही है ना कि हम लोग अच्छे से ही रुके, फिर भाई गाड़ी चलाते हुए ले जाता हूँ मैं जब मेरे को रुकना ही पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या करते, देखो इसको थोड़ा अच्छा सा कलर देते, क्योंकि 10 गाड़ियाँ जो होंगी ना वो एकदम यूनिक और आउट ऑफ द बॉक्स लगनी चाहिए, ठीक है, तो चलो इसको लेके जाते हैं यहाँ पे, भाई इसकी ब्रेकिंग सही कराऊँ मैं पहले, ये बहुत ही गंदे ब्रेक मार रही है, लेट्स गो, इसकी स्मूथनेस बढ़ाते हैं, मेटेलिक बढ़ा देते हैं, ओ पार्ट ओके, पेंटिंग ख़राब हो रखी है इसकी, भाई कितनी डैमेज्ड गाड़ी दी है इस बंदे ने हमें, देखो पहली गाड़ी तो भाई फरारी रेडी होनी चाहिए, तुम्हें ही पता है मुझे ही पता है, ठीक है, फरारी में यार रेड कलर अलग ही चमकता है, ऐसे लैम्बोर्गिनी में येल्लो कलर होता है ना भाई अलग ही एकदम, वैसे ही फरारी में ये बहुत तगड़ा लगता है, और भाई खैर अपनी जो GTR है वो तो हर कलर में ही अच्छी लगती है चलो
अबे ये क्या बदतमीजी, जस्ट मैंने अपनी गाड़ी लेके आया तो इन लोगों ने जादू से दो गाड़ियां बुला दी। चलो मैं इसके साथ करने वाला गैम्बल, ठीक है, ये बंदा मुझे लग रहा है कि ये करेगा हमारी गाड़ी। लेट्स होप ये ठोके ना। पहले कौन आएगा गाइस? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। देखो मैं तुम्हें बता रहा था ना, भरोसे पे बात है भाई, ये बंदे को मैं जानता हूँ ना, इससे मैं दो तीन बार करवा रखा काम, ये मेरा काम जल्दी कर देता है। अपनी पहली फरारी आज की हो चुकी है, एकदम रिपेयर, एकदम मस्त करके हो चुकी है। इसको लेके चलते हैं शोरूम में, हम लोगों को ऐसी 10 फरारी जमा करनी है, तुम समझ रहे हो भाई साहब। मेरे को पहली फरारी लाते लाते ही गाइस 30 मिनट हो चुके हैं, 30 मिनट पहली फरारी लाते लाते। अब तुम समझ जाओ आज रात भर यहीं बैठने वाला हूँ मैं, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, आज मेरे को लग रहा है मैं रात भर यहीं बैठूंगा भाई। लेट्स गो, इसको हम लोग लगा देते हैं मस्त करके स्टार्ट। ओ भाई ये कैसा आई? अच्छा ओके, ऑडी आर8 क्लाइम। मेरे को लगा मैंने ये गाड़ी जस्ट अंदर लगाई और वन लग गए बंदे। ओ भाई साहब, लेट्स गो, लेट्स सी ऑडी आर8 कितने में, प्रिस्टीन कंडीशन है, मुझे पता है, आई नो 6,46,000। ओके मैडम आप ना दिमाग से थोड़ी सटके लिए हो क्या, 8,00,000 रुपए लास्ट बेच रहा हूँ, अगर आपको लेनी है तो ले जाओ वरना रहन दो भाई। यू आर थिंकिंग, आप एक काम करो आप यहीं पे खड़ी रहो, क्योंकि ऐसा होता है ना ज़्यादा कस्टमर देख के और कस्टमर दौड़ के आते हैं, ठीक है, तो इनको यहीं पे खड़े करूँगा मैं, इनसे वो नहीं कहूँगा कि वी आर नॉट सेलिंग वाला, फिर वो तो थोड़ा रूड हो जाता है। तो यही करते हैं, अब हम लोगों को कुछ नहीं करना गाइस, ऐसी करके 10 गाड़ियाँ जमा करनी है फरारी की। और सबसे गंदी चीज़ तो वही है कि भाई आएगी नहीं आएगी वो कंप्लीट परफेक्ट पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को 4-4 मिनट हर दिन वेट करना ही पड़ेगा। पहले सही था कि हम लोग डायरेक्टली स्किप कर सकते थे, बट अभी देखो 11:30 हो रहा है, ठीक है, अब हम लोगों को 12 बजे तक का रुकना ही पड़ेगा सोने के लिए। क्या बदतमीजी है यार ये। अब चलते हैं फटाफट से कंटेनर पे वापस से, लेट्स होप जल्दी से सो पाए। देखो 11:46, 47, 48, 49, कैन नॉट स्लीप बिफोर 12। जो चीज़ें सही करनी है, लैग हो रहा है, अटक रहा है गेम, वो नहीं सही करेंगे। ये क्या सही करेंगे, जो चीज़ें सही परफेक्ट थी वो चीज़ें सही कर दो, जो चीज़ें सही थी उसको और सही कर दो, वो मत करो, सही जो है सही है। नई गाड़ियाँ ला के मत देना हमें, है ना, नई गाड़ियाँ ला के मत देना हमें, सुपर MK4 मत देना गेम में हमें भाई, लिटरली भाई ऐसी गाड़ियाँ ला के दो ना, सुपर MK4 दो पुरानी वाली भाई, क्या क्या चीज़ें हैं, 100 चीज़ें गिना सकता हूँ मैं जो ये ला के दे सकते हैं हमें, पर नहीं, क्या करेंगे, दिन के 12 बजे रिफ्रेश होगा ये करेंगे और कुछ नहीं। कहाँ है डस्टबिन भैया की हेल्प कर देता थोड़ी। चलो अभी अपनी मस्टैंग निकालते हैं हम लोग, दीदी के अलावा तो कोई आ ही नहीं रहा हमारे ऑफिस में, क्या हो गया भाई इतना गंदा हो गया क्या ऑफिस, कस्टमर एट ऑफिस ओके। चलो फटाफट से जाते हैं, जाके चेकआउट करते हैं क्या हम लोगों को मिलने वाला है। आई होप तुम लोगों ने लाइक वाला बटन दबाया होगा गाइस, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा लाइक और नहीं, मेरा लाइक और तुम्हारा लाइक एकदम पैरेलल चलता है। लेट्स सी, ओके फोर्ड रैप्टर नहीं सॉरी डॉज का वो है ट्रक है, कम ऑन कम ऑन। नहीं यार मैं नहीं भाई, सुनो यार इधर आओ सुनो 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 यार इधर आओ, ये लो यार तुम सारे दिल लो मेरे यार। जिस जिसने भी ये वीडियो को लाइक किया था ना अभी तक का, उनको तो मैं प्यार ही कर दूंगा भाई, मैं मतलब मैं क्या कहूँ तुमसे यार, हमें निशान GTR मिल गई तुम लोगों की वजह से यार, कहाँ 10 फरारी वाला चैलेंज करने जा रहे थे, हम लोगों को निशान GTR ही मिल गई रास्ते में, जस्ट बिकॉज You, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. Thank you, यार. Guys, ऐसी करके यार अपना ढेर सारा गुड लक हम लोगों को अंशुवर्स वाले चैनल पे भी दिखाना, क्योंकि वहाँ मैं बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ और लिटरली बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ। हम लोग कल को ही सुबह 4 बजे दिल्ली के लिए भी निकल रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा मस्त वीडियो निकालने के लिए, जो कि तुम लोग आगे फ्यूचर में आके देखोगे। हो सकता है कि ये वीडियोज़ तुम लोग को लाइक लिटरली यार बहुत ही ज़्यादा औसम लगे और तुम लोग शेयर करोगे तो मेरे को और अच्छा लगेगा। अभी के लिए तो हम लोग रुकते हैं, पहली गाड़ी ही निशान GTR है आज, इसलिए मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला हूँ। 2 बजे ऑक्शन शुरू है, 9 बजे भाई यहाँ पे बैठा हुआ है और अब मैं हिलने वाला हूँ नहीं, सो वेट कर। एक काम करते हैं, पता क्या, जब तक हम लोग वेट कर रहे हैं ना, खाली बैठ के क्या करना है भाई, जल्दी से अपनी गाड़ी घुमाते हैं, एक बार जाके देख के आते हैं। ओ भैया सॉरी, चलो जब तक हम लोग वेट कर ही रहे हैं तो एक काम करते हैं ना, फटाफट से जाते जाके देख के आते कि रेस कब होने वाली है, समझ रहे हो, क्या पता कोई अच्छी वो क्या कहते हैं बैट वाली रेस हो, कोई तगड़ी कार आ गई हो वहाँ पे, यू नेवर नो राइट, यू नेवर नो। जैसे कि यहाँ पर आई हुई है, क्या आई हुई है यहाँ पे, यहाँ पे एक मर्सिडीज कूप आई हुई है, फिर एक बेकार गाड़ियाँ आ रखी है लिटरली यार, स्टेशन वैगन दिख रही है मेरे को वहाँ पर, एक
एक मर्सिडीज कूप तो थी और एक और थी वो आई थिंक वो थी वो क्या कहते उसे, मैं उसका नाम भी भूल गया यार। चलो इज्जत से अपनी मस्टैंग लगाते यहाँ पे लोगों को थोड़ा दहशत करवा के, जिसको भी पता नहीं क्राउड किलर नाम है इसका। लेट्स सी गाइस, 3.5 मिनट में हम लोगों का ऑक्शन स्टार्ट होगा और पहली ऑक्शन गाड़ी तुम लोगों को पता है भाई की फेवरेट निसान जीटीआर। लेट्स गो भाई, स्टार्ट हो गया, लेट्स गो। अरे ले भाई, $4 लाख क्या होते है? लो मेरे सामने कोई भीड़। अबे भाई हेलो, क्या बदतमीजी है, दे दो भाई। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। यार तुम्हारा यार भाई का जलवा है तुम्हें पता नहीं है क्या? ये देखो यार एक बार, वाबू, ये नंबर प्लेट में जब वाबू लिखा जाएगा ना दोबारा से। लेट्स गो, देखते हैं। अभी हम लोगों के पास देखो एक GTR यहाँ पर हो चुकी है, अभी हम लोग और देखते हैं हम लोग के पास पड़ी कितनी है इन टोटल। ठीक है, 3 अपने पास ऊपर पड़ी हुई है जो तिरंगा बनाती है मस्त करके, उसके साथ हम लोगों के पास एक नीचे ब्लैक वाली पड़ी हुई है, तो अपने पास इन टोटल 5 GTR होने वाली है। 5 GTRs इन द वामू शोरूम। सारे के सारे कमेंट सेक्शन में क्रेजी हो जाओ भाई फटाफट से, और जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक वाला बटन दबा देना भाई। 5 GTR भाई, 5 GTR हम लोगों के पास। लेट्स सी गाइस, ये 8,20,000 में अगर मान जाता तो इसको मैं दे दूंगा भाई 8 लाख। लेट्स गो बॉयज, ले गया बंदा 8,20,000 में, ले गया हम लोगों के पास पड़े हुए 95 लाख रुपीज, क्योंकि हम लोग यार थोड़ा ओवर पे कर दिए GTR के लिए। मैं तुम्हें पता ही है यार कि मैं कितना एक्साइटेड हो जाता हूँ, राइट। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग के पास एक ये भी खड़ी हुई जो $3 लाख की हमने ली थी, और ये अगर हम लोग बेचने पे आएंगे, सोचो हम लोगों ने 5 लाख की एक गाड़ी ऑलरेडी ले ली है और उसके बाद अगर हम लोग इसको लेरारी को बेचने जाएंगे तो ये एटलीस्ट नहीं भी तो 4 लाख में तो निकाल ही दूंगा मैं, तो 4 लाख वो हो गए 99। और उसके बाद तुम्हें पता ही है भाई कि GTR कितने की बिकती है, ठीक है ना। GTR तो महंगी ही जाती है, रुको जरा एक बार ये बस रिफ्रेश हो जाए। GTR अगर मैं बेचने पर आ गया ना तो $1 मिलियन की कहीं नहीं गई, $1 मिलियन GTR के अगर हम लोग बेचने गए तो एक तरह से मेरे पास $11 मिलियन अभी पड़े हुए आराम से। बट वही है कि हम लोग GTR को बेचेंगे तो ना यार, वो तो थोड़ी दिल की गाड़ी है ना यार, समझ रहे हो। हर गाड़ी पैसे के लिए थोड़ा लेंगे यार, थोड़ी दिल के लिए भी लेंगे भाई। क्या लग रही है देख रहे हो, इसको जब दूंगा ना मैं अपना फेवरेट कलर। लाइक कलर तो वैसे मेरे को गोल्डन ही पसंद है GTR में, नहीं तो ब्लैक, वैसे पर ऑरेंज भी अच्छा लगता है। मतलब बहुत सारे कलर से, सही बताओ तो GTR हर कलर में ही अच्छी लगती है। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरे को डर लग रहा है अगर ये ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले मैं सोने चले गया और मैंने डे रीसेट कर दिया तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं अभी रुका हुआ हूँ। ये चौथी और लास्ट गाड़ी बची हुई है तो इसको होने देते हैं, ये कोई फटाफट से ले ले, या फिर रुको इनकी हेल्प कर देता हूँ मैं। ये ले नहीं रहे ना, ये ले देते जाएगी ना थोड़ी बेडिंग, अब कोई लेगा? देखो अब मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है यहाँ पर यार भाई, अब मुझे पता है कोई ले जाएगा गाड़ी, ले जाओ। हाँ बढ़िया बढ़िया, लो बैटिंग हाई करो भाई, हाई बैटिंग लगाओ, या आपस में बीडिंग करते रहेंगे। बढ़िया बढ़िया, बीडिंग करो, बीडिंग करो, हाई बीडिंग ले जाओ ले जाओ। अबे भाई कोई तो करो यार, कोई तो ले जाओ इस गाड़ी का, मेरे को अपनी GTR उठानी वहां से। मेरे ख्याल से अब हो गया अब भाई, हेलो, ऑलरेडी $12,000 से $17,000 ले जा चुके। और मेरे को नीचे, मेरे को नीचे, भाई यार ये 2000 का पिकअप ट्रक तोड़ना चाहिए था मुझे, मुझे तो बस ये सुंदरी चाहिए थी। ला 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 निसान GTR, ला 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 जू 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 जू। चलो इसको हम लोग रिपेयर में भेज देते हैं, और तू भाई सुन सीधा जा पिकअप ट्रक 1 पे, तेरे को मैं लगाता हूँ सेल पे। भाई यार मेरे को लेनी तो ना थी वो गाड़ी, 17,000 में खरीदी है, मेरे से लिख के ले लो, ये देखना कितने में जाएगी, 40-40 में जाएगी ये। अबे यार भाई इतने में तो मेरा लिटरली वो नहीं निकल रहा, ऑफिस रेंट नहीं निकल रहा आजकल, तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ यार चलो गाड़ी को इज्जत से यहाँ पे लगाते हैं और फटाफट से ये डॉज आर ट्रक को पहले निकालते हैं, फटाफट जल्दी करो। चलो भाई SRT वाला ट्रक है वैसे, ये भगता तो है बहुत तेज, चलो देख रहे हो कितना तेज भगता है, पूरा दबाया बटन मैंने। चलो इसको सबसे पहले हम लोग सेल पे लगाते हैं, क्योंकि ये मेरे को मेरे शोरूम में चाहिए नहीं, ठीक है। देर वी गो, भैया ने तो साफ सफाई भी शुरू कर दी, ग्रेट कार एज यूजुअल, ठीक है। वैसे ट्रक लिखना चाहिए था बट ठीक है। 28
40 भी नहीं, 28,000 मैं लगाऊंगा, 20 तक का कोई दे के चले जाए इसके, बहुत बढ़िया। $3,000 के लिए मैंने ये ट्रक खरीदा था, $3,000 गलती से खरीदा था, पर वही वाली बात है। चलो इसको सेल पे लगा के हम लोग एक काम करते हैं, डे रिफ्रेश करते हैं। हम लोगों को भाई जल्दी से 10 फरारी जमा करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है अभी, ठीक है ना। हम लोगों ने 2.5 लाख का प्रॉफिट कर दिया फिर भी, और हम लोगों के पास अभी 2 गाड़ियाँ अपनी पड़ी हुई हैं। सोचो उसके बाद भी 2.5 लाख का प्रॉफिट करने के बाद हम लोगों ने एक GTR ले लिया, उसके साथ हम लोगों के पास एक फरारी तो पड़ी है। ले भाई एक और ऑक्शन लग गया, अब पता नहीं कैसे होगा यार मेरे, ये ऑक्शन में अगर दोबारा से कुछ क्रेजी चीज़ निकल गई और भाई वो नहीं निकले फरारी, मैं रो दूंगा। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम मुझे रोते हुए देखोगे अभी। कोई बंदा नहीं होगा जो आज तक का क्रेजी चीज निकलते समय रोया होगा। ओ भाई लेट्स गो, हम लोग को यही फरारी तो चाहिए थी, लेट्स गो। मजा आ गया गाइस। ये क्या है? ओके डॉज वाइपर, ओ ओके डॉज वाइपर नहीं मतलब वो डॉज चैलेंजर। भाई मेरे को जेन्युइनली लगा एक बारी को कि बाबू ये क्या हो गया बाबू, कितने बजे स्टार्ट हो रहा? हाँ 5 बजे, हाँ और लेट कर लेते थोड़ा है भैया। ओ भैया थोड़ा और लेट स्टार्ट करवा देते इसको, मैं तो खाली बैठा हूँ यहाँ। चलो अब वेट करते 5 बजे तक का, 8 बज रहे अभी गाइस। इस गाड़ी के बाद अपनी गाड़ी है और लिटरली 8 बज चुके थे, देख रहे अंधेरा हो चुका, रात होने वाली है अब भाई। रात क्या होने वाली, रात हो चुकी है भाई। लास्ट गाड़ी आने दो ना जल्दी से, वो फरारी को भाई, दूसरी फरारी का आ रही है हमारे कलेक्शन में, वो भी नहीं आने दे रहे हैं लोग, देख रहे हो तुम लोग। ओ लेट्स गो, हुआ कुछ? अच्छा नहीं कुछ भी नहीं हुआ भाई। ले लो यार ये गाड़ी को ही, मैं ले लूँ ये गाड़ी तुम्हारे लिए। 17,000 से 24,000 पहुँचा दी वो, $7,000 बढ़ा दिए उस गाड़ी में और कोई ले नहीं रहा, $8,000 बढ़ा दिए। ले लो भाई, हाँ ले लो भाई, ले लो भाई। अरे बढ़िया बढ़िया, जूली को मिल गई है, लेट्स गो बॉयज। अपनी फरारी से फोटी आ चुकी है, सीधे बढ़ाऊंगा सीधे सीधे भाई, कुछ नहीं देखना है, सीधा $18,000 बढ़ाएंगे, सीधा 18,000 एक दो बार। अब थोड़ा हल्के, इतने पैसे नहीं है ना यार, फालतू के पैसे थोड़ा दूंगा। हमें ट्राई करना 3 लाख के अंदर तो मिल जाएगी, क्योंकि अगर हम मार्केट प्लेस में लेने जाते हैं और सस्ती मिलती है, यहाँ और ज़्यादा महंगी मिलती है। देखो 3 लाख के आसपास की मिलेगी हमें भी, 3,06,000 हो चुका है भाई। दे दो यार, छोड़ो यार गाड़ी, 3,15,000 अब छोड़ दो भाई प्लीज़ यार। अरे भाई साहब दे दो यार प्लीज, मत भी जीनी, मत कर हा। लेट्स गो बॉयज, अपनी फरारी SF40 तो आ गई है एटलीस्ट। एक चीज़ देख लेते हैं बस, इसमें कुछ भी डैमेज वैमेज है क्या? नहीं है ना, तो इसको हम लोग सीधे टो ट्रक 1 पे पहुँचाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, सीधे जाके सोते हैं अगले दिन। लेट्स होप कि हम लोगों को हर दिन भाई हर दिन एक फरारी SF40 इज नॉट पॉसिबल, फिर हम लोगों को उतना वेट करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। सो लेट्स गो, करते हैं भाई फटाफट इसको जमा। लेट्स गो गाइज, द कार मार्केट प्लेस इज ओपन, लेट्स सी, लेट्स होप कि अपनी कार मार्केट प्लेस में एक फरारी SF40 आई हो। भाई मैंने ऐसे दिन भी देखे जिसमें 2-3-4 भी आती हैं, पता है यार। पोर्शे आई हुई है बट फरारी नहीं है मोस्ट प्रॉब्ली। मैं फिर एक काम करता हूँ, ये R8 फिर भी खरीद लेता हूँ जस्ट फॉर सम मनी, क्योंकि अगर बीच बीच में लोग पैसे भी कमाते रहेंगे ना गाड़ी लेते रहते, तो आई थिंक हमको सही में मिल जाएगी 382 राइट 382। इसको हम लोग 3 लाख में खरीदने की बात करते हैं, ठीक है। 3 लाख में अगर ये भेज देगा तो मज़ा आ जाएगी। छी यार गंदा आदमी भाई, 382 बोल रहा है, मैं 3 लाख में खरीद। लेट्स गो बॉयज, गाड़ी में डैमेज तो होगा भाई, इतनी सस्ती बेची है इसने हमें, और इसको हम लोग रिपेयर में भेज देंगे। चलो गाइज अब मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, लेट्स सी अगर हम लोग जल्दी से जल्दी ढेर सारी गाड़ियाँ जमा कर पाए। अभी 8 बज रहा है, मेरे को 4 मिनट और रुकना पड़ेगा। सोचो हर एक में भाई, मैं मजाक नहीं करूँगा, मेरे को दूसरी गाड़ी लेने में भी 30 मिनट के आसपास लगे, तो अगर ऐसे ही चलता रहा ना जैसे 30 मिनट हम लोगों को लग रहे एक एक गाड़ी लेने में, तो तुम समझ रहे हो ना हम लोगों को कम से कम नहीं भी तो 10 बार 30 मिनट समझ जाओ, मतलब 5 घंटे तो एटलीस्ट लगने वाले हैं, लीस्ट बोल रहा हूँ मैं, लीस्ट एकदम कम से कम ओवरऑल वाट लगने वाली है। ये मेरे कहने का मतलब गाइस, हम लोग अपनी सेकंड फरारी को भी इसके बगल में खड़ी करने वाले हैं। यार क्या लगती है यार ये गाड़ी, कोई भी कलर दे दो, कोई भी कलर भाई, ये गाड़ी अलग ही शाइन मारती है। एक काम करते हैं, इसको ना अपने ये वाले डोर से थोड़ा सा दूर रखते हैं अभी के लिए, और एक और चीज़ हम लोग इसको ना ऐसे खड़ी करेंगे, क्योंकि ऐसे में ना हम लोग 3 गाड़ियाँ एटलीस्ट खड़ी कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग इसको ऐसे खड़ी करेंगे, ऐसे करके 2 और गाड़ियाँ आ जाएंगी, फिर ऐसे ऐसे करके लगा देंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल पाए, बेसिकली मेरा वही कहने का मतलब है। चलो मैडम आई है डॉज लेने, भाई मेरे को बस मेरे पैसे निकाल के दे दो, तुम 18,000 में लेनी है मैं दे दूँगा, 18,000 में चाहिए गाड़ी,
21,000 में? और भाई साहब 24,000 कैसा रहेगा फिर? अब पैसे वाली पार्टी आई है तो थोड़ा ले जाइए मैडम। बढ़िया, वैसे भैया भी आए हुए थे बट ठीक है। चलो अपनी भाई GTR और वो भी लेके आते हैं यहाँ पे ODR8, ताकि हम लोग थोड़ा पैसा भी बना पाए। ये दोनों गाड़ियाँ मैंने रिपेयर में दे रखी थी, फाइनली रिपेयर कंप्लीट हो चुका है गाइस इनका। इसको मैं लिखा देता हूँ टो ट्रक 1 पे, इसको तो हम लोग यार, अरे माय बैड यार, भूल जाता हूँ हर बार, यू नो पुरानी आदत से ये। ओ भाई यार तो ये और भाई लिटरली ये गाड़ी क्या निकलने को तैयार होती है यार, बिल्कुल उड़ने को तैयार, पता है तुम्हें? हल्का सा रेस दो बस, हल्का सा ऐसा कर देती है ना, चलने लायक ही नहीं रहती फिर। चलो भैया ऐसे जाते हैं फटाफट से, इनसे बोलते हैं भैया ऐसा कलर करना, ऐसा कलर करना, मज़ा ही आ जाए। ठीक है, देखो अब अपने पास एक तिरंगी कलर की गाड़ियाँ हैं 3, उसके बाद एक ब्लैक पड़ी हुई है। अब हम लोग कुछ अलग सा करेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक रेड रखें या फिर ग्रीन, तो अपने पास है गोल्डन ही तो पर्पल, वो ऑरेंज रख रखी है हमने। ठीक है, अपने पास ब्लू नहीं है राइट, और वो भी ये वाला ब्लू, पता नहीं कैसे मेरे ना ऐसे दिल पे छपा हुआ है, बिल्कुल सियान टाइप, समझ रहे हो? ये क्या लगती है भाई यार, क्या है यार GTR, मैं कोई भी कलर दे दो ऐसे, पता नहीं यार, मैं भी मेरी फेवरेट गाड़ी है ना, इसकी वजह से ये चीज सीन है थोड़ा सा, बट यार क्या लगती है यार ये गाड़ी, कसम से भाई कोई भी कलर दे दो, कुछ भी दे दो यार, ये गाड़ी अलग ही लगती है भाई, बड़ा ओए, और क्या भागती है भाई। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस गेम की सबसे ज्यादा खतरनाक भगने वाली गाड़ी यही होगी भाई, रेसिंग किट डालते। और ये लो भाई, ये अभी तक का उसमें चल रही थी, इसके ना सस्पेंशन मेरे को गिरा देते, इसको ना रेस पैक बनाते हैं बिल्कुल एकदम। ठीक है, लाइट्स वाइट से हमें मतलब नहीं है, लेकिन प्लेट्स से हमें बहुत ज़्यादा मतलब है, प्लेट्स में वामू लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये वाली कैलिफोर्निया वाली प्लेट रखते हैं इसकी। ठीक है, और व्हील्स बहुत ही गंदे रख रखे हैं जो अभी हैं, तो कुछ नया ट्राई करते हैं। ये अच्छे लग रहे वैसे, ये लग रहे ड्रिफ्टिंग व्हील्स है ना, ये रखते हैं यार। ठीक है, ये अपडेट करो मैं, हाँ देखो कितना मस्त ड्रिफ्ट मारने वाली कार नहीं लग रही एकदम। चलो इसको लेके चलते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा शोरूम में लगाते हैं। भाई ये क्या कट मारती है, पता नहीं यार, मतलब अलग ही प्यार है मेरे को तो इस गाड़ी से भाई, और हल्का सा हल्की सी रेस दो भाई, ऐसे उड़ने को तैयार हो जाती ना, ऐसे खींचती ना, डर लग जाता है यार इसको खींचने में। चलो फटाफट से चलते हैं ऊपर, गाड़ी में बैठते हैं वापस से। यार यहाँ पे 3 GTR हैं अभी के लिए हम लोगों को, यार देखो क्योंकि सी बात है वो जमा कर रही है, मैं इसको यहीं पे खड़ी कर रहा हूँ। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि इसको हम लोग कहाँ लगा सकते हैं तुम लोगों के हिसाब से, कोई अच्छी सी जगह अगर तुम लोगों को मिले तो। अभी के लिए हमारी देखो ये वाली फरारी को भी ना वहीं खड़ी करते हैं। ठीक है, अपनी ब्लू वाली, रेड वाली, आई थिंक यहाँ पे 4 भी खड़ी हो सकती है भाई, लेट्स गो। अब मैं निकलूँ कैसे यहाँ से, मैं तो फंस गया भाई, कभी कभी बहुत ही गंदा फंस जाते भाई, मेरे को रिस्पॉन ही करना पड़ गया, देख रहे हो तुम लोग? किस्मत की भी तो बात होती है ना फिर यार, हरकतें देख लो तुम मेरी एक बार, दोनों गाड़ियों के बिल्कुल बीच में जाके अटक गए, वो भी एक 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 घुटना रखने की जगह नहीं है वहाँ पे। अब चलो बढ़िया है, एटलीस्ट 2 बज गए दिन के, तो हम लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। हम लोग के पास 2 फरारी हो चुकी हैं, हम लोगों को वो जो R8 है उसको भी वो करना है, लेकिन मतलब सेल करना है। बट हम लोग एक चीज़ करते हैं, पहले डे रिफ्रेश करके आते हैं, होपफुली हम लोगों को तीसरी भी अपनी फरारी मिल जाएगी। बट ये चीज़ बहुत गंदी है यार, ये जो डे रिफ्रेश करने के लिए तुम्हें 12 बजे तक रुकना पड़ रहा ना, उसकी वजह से हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को तो ऐसा हो रहा है कि अगर मेरे को ऑलरेडी पहले 6-6, 7-7 घंटे लगते थे एक गाड़ी जो रेयर वाली होती थी उसको लेने के लिए, तो ऐसी अगर मैं फरारी 10 ले रहा हूँ तो मेरे साथ तो कुछ गलती होने वाला है भाई। 12 बजे का ऑक्शन है, पहले जाके फटाफट से देखते हैं। भाई क्या लगती है यार मस्टैंग, कसम से भाई, अभी तो लोग वैसे पागल बना रहे हैं सही बताऊँ तो। ठीक है ना, अब फोर्ड छोड़ के चले गया ना, तो जो भी अगर मस्टैंग इंडिया में लेके आना चाहता है वो डबल प्राइस पे लेके आएगा बेसिकली। पहले 70-75 लाख में तुम्हें ये गाड़ी फास्ट एंड लेट्स गो गाइस। यार थैंक यू सो मच, जितने ने भी लाइक करा ना उनको मेरी तरफ से एक और पप्पी यार, हम लोगों को ये फरारी मिलने में। और ये किस्मत है भाई कि हम लोगों को क्या कहते हैं उसे, तुम्हारा ये ऑक्शंस में, रैंडम ऑक्शंस में गाड़ी मिल जाती है, बहुत बड़ी किस्मत है, ये इतना इजीली दिखती नहीं है रैंडम ऑक्शंस में, पता है तुम्हें? और वो भी अच्छी बात ये कि 2nd या 3rd नंबर पे यही है, तो इनसे डेली टिकट ले लेते हैं। और इतने में क्या करते हैं पता है, यहाँ से निकलते हैं जितनी देर में 12 बजे ऑक्शन स्टार्ट है, अभी 8 ही है, 4 मिनट बचे हुए, हम लोग फटाफट से वो ODR8 को लगा देते हैं सेल पे। ठीक है, और हो सकता है सेल पे लगाएं क्या, हम लोग उसको बेच भी दें, यू नेवर नो राइट। मस्टैंग से फुल ड्रिफ्टिंग चल रही है यहाँ पे। चलो ODR8 निकालते यार, वाइट कलर में अलग ही लगती है यार ODR8, कसम से भाई बहुत ज़्यादा क्लीन, बढ़िया सी गाड़ी लगती है, मतलब थोड़ी बढ़िया सी एकदम।
इसको अभी के लिए यहीं पे खड़ी कर देंगे और इसको ना सेल पे लगा देते हैं। चलो 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 ऑडी R8, इसकी फोटोज है मेरे पास, और भाई साहब एक गंदी सी फोटो पड़ी हुई है, बट ठीक है चलो। ग्रेट कार, अच्छा ग्रेट कार, इसको हम लोग निकालेंगे वही 9-10 में, तो इसको 9-10 में निकाल देते हैं, देयर वी गो। ठीक है, लेट्स सी ये कितने में निकलती है। वैसे लगा तो दिया मैंने 9,10,000 की, बट लेट्स होप ये निकली जाए, 8,00,000 तक तो निकली जाए एटलीस्ट। अब मैं नहीं आ रहा हूँ वापस यहाँ पे 12 बजे से पहले, भाई 12 बजे के बाद ही आऊँगा अगर कोई कस्टमर आ गया। भाई बोलते ही आया, थोड़ी देर पहले आ जाता, आ जाती मतलब मैडम। मैडम कौन सी गाड़ी लेनी है? ये लेनी ऑडी R8, बताओ कितने की लेनी है? आप ही के लिए मैडम, ये तो आप जैसे यंगस्टर्स को ही तो वो करते हो ना, आप प्रेरित करते हो, इंस्पिरेट कर देते हो आप थोड़ा सा। हाँ इंस्पिरेट, 8,50,000 की लास्ट लगा दूंगा, चलो 9,00,000 की है, $50,000 कम कर रहा हूँ सीधे, $50,000 लेनी है। देख रहे हो ऐसे मस्का लगाया मैंने उसको, देखो इंस्पिरेट पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। मैडम ने ले भी ली मजाक से हट के भाई। हम लोगों को देखो कितना, हम लोगों ने 5,00,000 5,50,000 की हम लोगों ने GTR ले ली अपने लिए, 2 हम लोगों के पास फरारी SF40 हो चुकी है, और तब भी अपने पैसे उतने ही हैं ऑलमोस्ट जितने अपने स्टार्टिंग। भाई साहब 2 मिनट में ऑक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोगों की फरारी SF40 आई थिंक 3rd या 2nd नंबर पे, होपफुली 2nd नंबर पे। लेट्स गो गाइस, अपनी तीसरी फरारी आ चुकी है, सीधे बढ़ाएंगे पैसे भाई, 2,90,000 बोल लेना, ये 3,00,000 से ऊपर ले जाएंगे इस गाड़ी को, मेरे को परेशान करने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है करेंगे, मुझे परेशान करने के लिए करेंगे बस, ये बढ़ाते रहेंगे, इनको पता है इसने तो लेनी है, ये चैलेंज कर रहा है, तो ये पैसे धड़ाधड़ 3,00,000 से नीचे लेने नहीं देंगे। देखना ये देखा, हल्के से हाथ उठा देंगे हल्के से, वो देखो उसको देखो, ए कान के नीचे जाऊंगा ना इसके, ये मैं ही हूँ शायद, हाँ ये है बदतमीज कहीं का भाई। रुक जा रुक जाओ, ऐसे हाथ वात करते करते ना पता चला मिस हो जाएगा। कम ऑन ब्रो, कम ऑन यार, 3,20,000, $1,00,000 बढ़ा चुके हैं यार फाइनली भाई, 1,00,000 में $1,00,000 कम रह गए पता तुम्हें, वरना बढ़ जाते अभी। चलो अभी तीसरी गाड़ी भी जमा हो चुकी है, हम लोग को ऐसी करके 10 गाड़ियाँ करनी है, बड़ी अजीब हो जाती है। देखते एक बार गाड़ी में डैमेज है, कुछ नहीं, चलो बेस्ट, गाड़ी में कोई डैमेज नहीं है, इसको टो ट्रक 2 पे भेजते हैं, फटाफट से चलते हैं। हम लोग करेंगे सबसे पहला काम जो कि होगा हमारा डे रीसेट करना, ठीक है, आके हम लोग फिर पूरा का पूरा गाड़ी को कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को 12 बजे तक तो रुकना ही पड़ेगा, तो बेस्ट चीज़ ये है कि जब तक हम अपने काम करेंगे तब तक 12 ही बज जाएंगे, है ना, दिमाग से खेलो भाई मेरी तरह। अब हम लोग लाइक स्पैम नहीं कर सकते ना डे वे वो सब चीज़ें, जबकि उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प, मजाक नहीं करूँगा यार, मैं तो रोना आ रहा है भाई सोच के कि अगर इतने देर में इतने हुए हैं तो और कितने में होंगे। लिटरली ये हालत हो रही है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। चलो बढ़िया, अबे यार ये तो वो है सुपर ऐप नहीं यार, ये यार मेरे को बड़ा ही रुला रहा है भाई, मैं मजाक नहीं करूँगा, मैं हर बार ही सोच समझ के आ रहा हूँ कि यार यहाँ पे एटलीस्ट एक फरारी तो मिल जाए, कुछ भी नहीं मिल रहा। देखो सुपर ऐप है, मस्टैंग है, दो मस्टैंग है भाई साहब, और उसके साथ एक ऑडी R8, एक पोर्शे है, एक M3 है, सारी गाड़ियाँ थी, बट एक जो गाड़ी मुझे चाहिए थी सिर्फ वही नहीं थी। उसने कहा तेरे को वाली गाड़ी चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए, हाँ चाहिए, चल भी चल नहीं दूंगा, लिटरली यही बोला उसने। देखो 6,00,000 की ऑडी बेचने के लिए तैयार हो रही मैडम, क्या हो गया, क्या भांग पी गई हो क्या मैडम, चुपचाप 5,00,000 में 2 खत्म करो, थैंक यू, 5,00,000 में ले ली गाड़ी बताओ, चलो डैमेज तो नहीं है एटलीस्ट। चलो पिकअप ट्रक पे डाल दिए, लेट्स गो गाइस, निकलते हैं यहाँ पर से। और एक चीज़ और, मैं ना बार बार ना वहाँ रेस वाले पे जा रहा हूँ, कभी कभार फरारीज दिखती हैं, तो मेरे को पता है क्या करना चाहिए, मेरे को ना वहाँ पर भी जाते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। अभी के लिए तो मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी के लिए तो मैं इसको पहले अंदर लगा देता हूँ, इसको हम लोगों को सेल पे लगाना पड़ेगा। अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, और फिर वही चीज़ है कि अपनी बाकी फरारी लेने में हम लोगों को हेल्प हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो इसको हम लोग ऐसी करके लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये बहुत ही गंदी आवाज़ कर रही है मस्टैंग, कुछ ज़्यादा ही गंदी भाई, इसको भी लगा देते हैं, इसको भी हम लोगों ने बेचना है, इसको तो रोड पे ही लगाता हूँ उनको ज़रा बस, ठीक है इसको यहीं पे लगा देते हैं, इसको हम लोग यहीं से सेल कर देंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा कलर वलर करेंगे, बट उससे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ ना, एक बार इसी में जाके देख लेता हूँ, फटाफट चलते हैं, वैसे एम्प्टी होने वाली है टैंक में, इसमें तेल नहीं है बिल्कुल भी, बट एक बार जाके देख लेते हैं, अगर कोई रेस वेस हो रही हो, किसको पता किस्मत से हमारी यार क्या कहते हो एक फरारी आई हो, यू नेवर नो भाई, यू नेवर नो राइट।
इतनी अच्छी किस्मत नहीं। चलो मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। इतनी अच्छी किस्मत होगी हमारी कि हम जाएंगे और हम बोलिए किस्मत से हमारी फरारी आई और वहाँ सही में फरारी आ रखी होगी। नहीं है भाई, नहीं है ना। ऑलमोस्ट यार, क्या होता है तगड़ा भाई, ये क्या ही स्टंट होता भाई, मजा ही आ जाता है यार। चलो अभी के लिए तो एक बार देखते हैं इसमें डैमेज आया कोई गाड़ी में। 0% से थोड़ा सा हल्का सा आया, पता नहीं कैसे नहीं आ रहा है डैमेज भाई, मैं तो उड़ा दे रहा हूँ गाड़ी को। चलो ठीक है, इसमें पेंटेड पार्ट्स कुछ नहीं है, इसको हम लोग करेंगे येल्लो पेंट, ठीक है। देर वी गो, चलो ठीक है, येल्लो येल्लो डैडी फेलो। येल्लो भी नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा ग्रीन और येल्लो के बीच में कुछ हुआ है। चलो इसको हम लोग लगा के आ जाते हैं अपने आराम से। नहीं येल्लो हुआ भाई, प्रॉपर पोर्शे वाला येल्लो नहीं लग रहा है कि जो पोर्शे आती है येल्लो में, क्या कूल लग रहा है कलर भाई, चटक के एकदम। हाय सही में जेन्युइनली अच्छी लग रही है गाड़ी, बहुत ज़्यादा भाई, वो भी थोड़ी भी नहीं। इसको लगा देते हैं यहाँ पे। गाइज अपने पास 3 फरारी जमा हो चुकी हैं। इस बार मैंने फिर से अपने लिए निकलने के लिए जगह नहीं बची, बट थोड़ी सी है तो स्क्वीज करके निकलने की ट्राई कर रहा हूँ। थैंक यू, बढ़िया। ठीक है, इस वाली गाड़ी को हम लोग सेल पे लगा देंगे फटाफट से, हम लोगों की पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। 88.88 मिलियन डॉलर्स है अपने पास, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी इससे, तो हम लोग वही करेंगे ग्रेट कार। ग्रेट कार के बाद 9-10 बच रही है, तो 9-10 में निकालने की ट्राई करेंगे, 8 तक का लास्ट निकाल देंगे। तुम्हें पता है, मुझे भी पता है कि ये गाड़ी निकल सकती है 8 लाख में आराम से। फिर उसके बाद वही अपना लेरारी कहाँ बेच रहा भाई। हेलो, चैलेंज शुरू होने से पहले ख़त्म करने की तैयारी में है भाई तुम्हारा। फोटो नहीं, हम लोगों को वही करना है ग्रेट कार। और कितने का? 27,000 ले भाई, ये तो 28,000 में भी बिकने को तैयार नहीं है, क्या है ये बदतमीजी। चलो चलते हैं हम लोग, लेट्स ट्राई, अपना डे रिफ्रेश करके आते हैं होपफुली। हाँ चलो, ऑलमोस्ट होने वाला है, 30 सेकंड और बच रहे हैं, तो चलते हैं सीधे वहाँ पे और जाके अपना डे रिफ्रेश करते हैं और फिर वापस आते हैं। भाई ये चीज़ बहुत ही गंदी है यार, ये डे रिफ्रेश नहीं होता ना, कार मार्केट में मिलती नहीं है गाड़ी यार, बताओ क्या किस्मत हो गई हम लोगों की यार। एक टाइम था जिसमें कार मार्केट में लेजेंड ये 3-3 आती थी, बताओ तुम्हें, 3-3 एक ही जगह पे। और आज देख लो, चैलेंज करने आया ना इसलिए कर रहे हैं जबरदस्ती हमारे साथ ऐसा। तो गाइस मैं पिछले 2-3 घंटे से लास्ट गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, हम लोगों ने 4 गाड़ी कर दी यार, 10 की जगह मैं सोच रहा हूँ कि 5 ही करते हैं, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। एंड बिलीव मी ब्रो, 10 नहीं हो पाएगा। ये जो नई चीज़ लेके आ गए ना 12 बजे वाली, भाई लिटरली स्टूपिडेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। भाई जाओ जाओ चाचा, आप जाओ, नहीं लेनी आपको, मत लो आप, बिल्कुल मेरे को दिक्कत ही नहीं है भाई। तो मैं 2 लाख में दूँ ये गाड़ी, दूँ आपको 2 लाख में, मैं दे देता हूँ भाई। मेरी भाई हालत इतनी ज़्यादा टाइट हो चुकी है तो मैं बता नहीं सकता। 4 अपने पास हो चुकी है, 1 और गाड़ी बची है बस, रुको ये बेच के निकल ही रहा था मैं। अपने पास 10 मिलियन डॉलर हो चुके हैं जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। 8:37 हो रहा है, दोबारा से लेखना पड़ेगा जो भी होगा। कार मार्केट खुली हुई थी, हाँ मेरे को पटेला ऑक्शन खुला है, कार मार्केट में जा 2-3 बार रुके मेरे साथ भाई, बहुत खतरनाक भाई। सुबह के 4 बज चुके, तुम्हें बताए करते करते बदतमीजी, सुबह के 4 भाई, मेरे को याद भी नहीं मैंने कब रिकॉर्ड करना स्टार्ट भी। चलो भाई 5वीं कार तो मिल गई भाई, ये लिटरली 5वीं कार लेते लेते मेरे को 2 से 2.5 घंटे तो एटलीस्ट लगे हैं भाई। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कर रहा हूँ, हर 5 मिनट रुको, यही चल रहा है बस मेरा। लेट्स गो भाई, निकाल दीदी यार, दे दो यार 3 लाख में, दो नहीं। थैंक यू यार, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो भाई ये फरारी लेके सीधे जाते हैं भाई, इसमें ड्रिफ्ट टिकट लगाओ बहुत तगड़ा वाला। हम लोगों की 5 फरारियाँ कंप्लीट हो चुकी है भाई, हम लोगों ने 5 तो कर ली यार। ये अगर 12 घंटे वाले 10 तो मैं ऐसे ही कर देता, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, 10 तो मैं कर ही देता। अगर ये 5 हर 5 मिनट रुक रुक के ही खाली तुम मॉर्निंग कर सकते हो वाला नहीं होता ना, 10 मैं बड़े मज़े से करता, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, 10 तो बहुत ही प्यार से होता, बहुत ही प्यार से। बस एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कोई अच्छी कार तो नहीं आई हुई है रेस करने के लिए, पता चला ना ऑडी TT है, XCV है, ये कैसी गाड़ी बना के दे रखी है लोगों ने ड्रिफ्ट की भाई। फरारी से ड्रिफ्टिंग कौन करता होगा, मैंने तो नहीं देखा कभी यार। फरारी से लाइक कॉर्नर कटिंग के लिए वो सब चीज़ें, फरारी से ड्रिफ्टिंग कर रहे लोग भाई, ये भी करने के लिए नहीं वैसे फरारी देखा जाए तो। बट चलो हम लोग इस लास्ट फरारी को सबसे पहले सही कराते हैं और उसके बाद इसमें एकदम बेस्ट वाला पेंट करते हैं। पहले एक काम करते, सुनो
भाई लिटरली इस गेम में ऐसा लगता है ना, ड्रिफ्ट मतलब मक्खन के ऊपर अपनी गाड़ी का टायर डालना है भाई। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी लाइक लिटरली कुछ भी कर रही है गाड़ी भाई, कुछ भी। जा यार ऐश कर भाई, अब कर ही रहे एक चीज तो पूरा ही करवा देते ना फिर। ठीक है इसको ऐसा पेंट दूंगा ना, तुम देखो बस। ठीक है ये हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसा कलर कर देता हूँ आगे से, मतलब आगे से क्लीन कर देता हूँ जस्ट इन केस अगर हम लोगों को लाइक दिखेगा नहीं ना, काफ़ी बार होता है कि कलर दिखता नहीं आगे से। पॉलिश इसकी 100% कर देते हैं, पार्ट पेंट कर देते हैं सारे के सारे। अब देखो अपने पास ग्रीन भी है, येलो भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, पिंक फरारी कैसी लगेगी? पर्पल फरारी भाई, भाई बहुत कूल लगेगी पर्पल फरारी। बस इसको मेरे को पहले सही कराना पड़ेगा, रुको भाई ये बहुत मस्त लगने वाली है, तुम देखो ये देखो ऑलरेडी। बस इसको भाई रिपेयर कराना पड़ेगा, पूरी टूटी टाटी मिली हुई है बंदे ने भाई, बोनट से लेके सब कुछ तोड़ के रखा हुआ। देखो रूफ बोनट सब टूटा हुआ, एक साइड का डोर तक टूटा हुआ है इसका, वो किस साइड है वो पता नहीं, बट ठीक है। एक काम करते जब तक ये भैया कर रहे हैं, हम लोग भी गाड़ी में थोड़ी सी क्लीनिंग कर देते हैं। और क्या बच रहा है इस गाड़ी में, क्लीन तो हो गई है पर इसने हमें वो तो नहीं दिया कि ओ ये देखो पीछे से रखा था। पास कार इज नाउ क्लीन। भैया कितनी देर लगेगी? तुम यार बड़ा बड़ा का टाइम बता रहे हो लग रहा है। भाई मैंने लिटरली इतनी गाड़ियां भी बेच दी हैं, मेरे पास अभी भी सोचो 97 लाख डॉलर पड़े हुए, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट भी ऐसी 99-98 क्या कहते हैं उसे लाख डॉलर से किया था, अभी भी उतने ही पड़े हुए हमारे पास, जबकि अपने पास 5 फरारीज और आ चुकी हैं। मेरे को जेन्युइनली देखना है कि अगर बाय चांस मैं इन सारी फरारीज को बेचता हूँ तो हमारे पास कितने पैसे होंगे। लाइक 5 फरारी भाई, 5 फरारीज, डैम ब्रो। बट कसम से यार ये चैलेंज वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है अब, जस्ट बिकॉज वो 12 बजे से पहले नहीं सो सकते वाली चीज़ की वजह से, जो कि बहुत ही स्टूपिड है सही बताऊँ तो, क्योंकि गेम मल्टीप्लेयर नहीं है। अगर मल्टीप्लेयर गेम होता फिर तो समझ में भी आता है इसमें, बट फिर यार गेम मल्टीप्लेयर नहीं है तो उसके हिसाब से तो फिर यार चैलेंज करने में वैसे ही चैलेंजेस इतना हार्ड होते हैं कि तुम्हें इतनी खतरनाक गाड़ियाँ जमा करनी है, फिर उसके बाद तुम्हें अगर बाई चांस टाइम का भी और ज़्यादा बीटी होने लगे तो फिर दिल ही टूटता है भाई। नॉर्मल मैंने जितने भी चैलेंजेस किए उसमें ऑलरेडी मेरे को ऐसी 6-7 घंटे लगे, बट वो सोचो ना कितनी ज़्यादा ओवर रेयर गाड़ियाँ हैं, GTR ये सब चीज़ें। अब यार अब एक फरारी ऐसे 50 के लिए भी अगर इतना ज़्यादा लाइक लिटरली ऑलमोस्ट 6-7 घंटे गए मेरे इसमें, तो फिर थोड़ा सा ऐसा दिल जो है ना वो ऐसे टड़क टड़क बोल जाता है। ये देखो लेकिन अपनी 5 फरारियाँ कंप्लीट हो चुकी है, कितनी कूल लग रही है देख रहे हो तुम लोग। ओ भाई साहब देखो ये हो गई अपनी डार्क ग्रीन फरारी, ये अपनी रेड फरारी हो गई, ये अपनी ब्लू फरारी हो गई, ये अपनी लाइम फरारी हो गई, और ये है अपनी पर्पल फरारी। भाई अपने पास 5 फरारी, देखो मैंने तो कर लिया अपना चैलेंज कम्प्लीट, मतलब हाफ चैलेंज एक तरह से कहेंगे उसको। ठीक है कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम लोग कोई भी चैलेंज देना चाहते हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर देना मेरे दोम्स, अगर लाइक भी नहीं करे तो लाइक भी कर देना। बाकी यस मेरे को बताना अगर तुम लोग कोई चैलेंज देना चाहते हो, और मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो में हम लोग जितनी भी कार्स है ना यहाँ पे अलग अलग टाइप की, मतलब जैसे ये हो गई अपनी RX हो गई, अपनी फरारी एंजो हो गई, और फिर अपनी GTR हो गई, सारी कार्स की टॉप स्पीड और 0-100 नापते हैं और देखते हैं गेम के अंदर फास्टेस्ट कार कौन सी। अगर तुम ये देखना चाहते हो तो मेरे को बताना, एंड यस अंशुवर्स को भी चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन सबसे पहले लिंक दूंगा, जाके सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, थोड़ा प्यार दिखाना, फर्स्ट वीडियो बहुत धमाकेदार आएगी वहाँ। मिलते हैं।